वेलकम टू ऑनलाइन मैथमेटिक्स क्लासेस। बेटा हम अभी तक सीक्वेंस एंड सीरीज जो चैप्टर है हमारा उसमें पढ़ चुके हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, राइट। सीक्वेंस सबसे पहले तो मैंने सीक्वेंस ही बताया था आपको। सो इनिशियली आई हैव टॉक्ड अबाउट सीक्वेंस, राइट। सीक्वेंस क्या है, किस तरह से पहचानते हैं, ये चीज़ बताई थी। एंड उसके बाद में सीक्वेंस से ही आपको रिलेट करके बताया था कि सीरीज कैसे होती है। एक्चुअली सीरीज और सीक्वेंस में थोड़ा सा डिफरेंस था। सीक्वेंस से वो कॉमा लगा के लिखे होते थे, जो टर्म्स अगर सम के फॉर्म में लिख दिए जाएंगे देन दैट विल फॉर्म अ सीरीज, राइट। सीरीज और सीक्वेंस थे ये। फिर मैंने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपके साथ डिस्कस किया, आपको समझाया, एक्सप्लेन किया और एक अर्थमेटिक मेन बता दिया था, क्लियर। अब आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ इसमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी भी है, अगर आप समझेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ईजी से समझ में भी आएगा आपको, ठीक है। तो मैं जीपी के बारे में ही सबसे पहले आपको बताता हूँ, ठीक। तो इसका फुल फॉर्म है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। एब्रिविएट करते हैं इसको जीपी, क्लियर। अब ये जीपी क्या है, देखिए एपी जिस तरह से था बिल्कुल उसी तरह से जीपी भी लिखी होती है। तो मैं जनरल फॉर्म ऑफ जीपी लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ए या छोड़िए, पहले एग्जांपल बताते हैं, उसके बाद में आपको ये चीज समझाता हूँ कि किस तरह से जीपी को एक्सप्लेन किया जाता है और जीपी कैसे होती है वो, ठीक। एक सीरीज कंसिडर कर रहा हूँ, जैसे ये 1, 2, 4, 6, 8, 16 एंड सो ऑन, ठीक है। पहली सीरीज है ये, दूसरी सीरीज जो मैं लिख रहा हूँ वो ये 1, 2 इस तरह से। एक और एग्जांपल लेते हैं, 1.1 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये जितने भी टर्म्स लिखे हुए इन सब सीरीज को अगर आप ध्यान से देखो, पहली सीरीज को आप देखो तो पहला टर्म छोड़ दो, 1 है, उसके बाद हर एक टर्म में 2 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो ये पूरी सीरीज फॉर्म हो रही है, हो रही है। सिमिलरली इसमें पहला टर्म 2 है, देन 4 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर इसमें 4 से मल्टीप्लाई, नेक्स्ट में भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से, इनमें सब में 10 का डिवाइड हो रहा है, क्लियर। इस तरह से सीरीज फॉर्म हो रही है। तो मतलब अगर हर सीरीज को ध्यान से देखता, 2/1 करेंगे कितना आएगा, 2 आ रहा है, 4/2 करेंगे कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, 6 लिख दिया मैंने, 8/4 अगेन वी विल गेट 2, 16/8 अगेन 2, इसमें 8/2 4, 32/8 4, नेक्स्ट टर्म जो भी होगा अपॉन में 2 4, सब में 4 का 4 आएगा, यहाँ पे कितना आ रहा है, 10 से डिवाइड हो रहा है, तो 0.1/1 का हो गया 1/10, अगेन 1/10 एंड सो ऑन। तो नेक्स्ट टर्म मतलब हम ये कह सकते हैं kn/(an-1), ये जो होगा ये हमेशा किसी न किसी वैल्यू के बराबर होगा। तो जैसे वहाँ पे हम क्या करते थे, डिफरेंस करते थे, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के डिफरेंस होता था, यहाँ पे क्या है, रेशियो होता है, ठीक है, इसको हम कॉमन रेशियो बोलते हैं, ओके। ठीक है बेटा, तो इसी के बिहाव पे हम ये कह सकते हैं कि इस तरह की सीरीज जिनमें, ठीक है, द सीरीज इन विच द रेशियो ऑफ एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टेंट, ठीक है, कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का रेशियो अगर हमेशा कॉन्स्टेंट रहे तो इस तरह की जो सीरीज होती है वो एक जीपी सीरीज होती है, और इसको हम आर बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं कॉमन रेशियो, ठीक है बेटा। तो अगर फर्स्ट टर्म लेट से आ ए है, तो जो सीरीज होगी इस तरह से लिखी जाएगी एंड सो ऑन, ठीक है। ये है एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, प्लस लगा दो सीरीज बन जाएगी, या कॉमा भी रह सकते हैं। तो ये होगी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी, ठीक है, इस तरह की होती है। अब देखिए दिस टर्म और कौन दिस टर्म, कौन सी टर्म का रेशियो करो, आर आ जाएगा, आर आ जाएगा, आर आ जाएगा, आर आ जाएगा, सब आर ही आएंगे, ठीक है। और ये हो गया ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में। अब अगर मैं बात करूँ इसका जनरल टर्म,
ए एन। तो ध्यान से देखो बेटा, पहला टर्म तो ए है, दूसरे टर्म में आर की पावर वन है, तीसरे में आर की पावर थ्री है, सॉरी आर की पावर टू है। मतलब देखो ए तो आएगा आ ही रहा है हर टर्म में, ए यहाँ भी आएगा, ठीक है ना। आर की पावर देखो पहले टर्म में जीरो है, मतलब वन माइनस वन, जितना जो टर्म में फाइंड करना उससे एक पावर कम कर दी जाएगी, मतलब आर की पावर, सॉरी एन के लिख दिए मुझे। तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, ए आर रेज टू एन माइनस वन, ये है जनरल टर्म, ठीक है, जनरल टर्म ऑफ जी पी, ठीक है, ये हो गया। अभी मैं आपको नेक्स्ट बताने वाला हूँ, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अगर सम फाइंड आउट करना हो तो किस तरह से फाइंड आउट किया जाएगा वो, ठीक है। क्योंकि जी पी में मेन यही है, एन टर्म देखना और फिर सम फाइंड आउट करना, ये ओके। मैं दोनों आज डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ में, फिर एग्जाम्पल भी बताऊंगा मैं इनके, ताकि आप एक्सरसाइज से क्वेश्चन भी सॉल्व करके देख सकेंगे। एन सी आर टी से ही करिएगा, ठीक है। अभी एक दो क्वेश्चन तो और भी सॉल्व भी कराऊंगा मैं। तो देखिए, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जी पी, एन टर्म्स जी पी के जो होंगे उनका सम किस तरह से फाइंड आउट किया जाए वो, लेट्स से दिस इज ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस ए आर पावर फोर एंड सो ऑन, लास्ट टर्म बेटा ए आर की पावर एन माइनस वन, यही होता है ना, ठीक। अब ये सम है तो हम मान लेते कि ये जो सम लिखा हुआ है ये एस एन है, क्योंकि एन टर्म का सम है ना, इसलिए ठीक। ये हो गई इक्वेशन नंबर वन, लेट्स से अब मैं इसी इक्वेशन में आर से मल्टीप्लाई करूंगा, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय आर, और फिर इसी के साथ लिख दूंगा इस तरह से, आर इंटू एस एन हो जाएगा। और ये ए के साथ आर आएगा तो मैं एक टर्म आगे फॉरवर्ड करके लिखूंगा, मतलब ए आर यहाँ, ए आर स्क्वायर यहाँ, ए आर क्यूब इधर, ए आर टू पावर फोर इधर, ए आर टू पावर एन माइनस वन आया होगा, इसके बाद ए आर की पावर एन बन जाएगा, क्लियर ना, क्योंकि आर से मल्टीप्लाई हुआ। अब बेटा हम दो इनको सबको माइनस कर देंगे आपस में, ठीक है, सबट्रैक्टिंग माइनस करते हैं, तो माइनस करने पे क्या आएगा, देखिए एस एन तो कॉमन हो गया, वन माइनस आर बन गया। इधर ध्यान से देखो तो ए तो एज इट इज रहेगा, ये ए आर कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, बस माइनस ए आर एन बचेगा, ठीक है ना, इतना सिंपल। ए ध्यान से देखो तो कॉमन भी है, ठीक। तो यहाँ से हमें तो एस एन से मतलब है, तो एस एन की वैल्यू बेटा क्या आ गई है, ए वन माइनस आर टू पावर एन ओवर वन माइनस आर, ये प्रोवाइडेड आर इज लेस देन वन, आर की वैल्यू जब वन से स्मॉल है, ठीक। अगर वन से स्मॉल नहीं होगी तो फिर हम इसमें इसको माइनस करेंगे, टू माइनस वन करेंगे, देन वी विल गेट एस एन इजिक्वल्स टू ए आर टू द पावर एन माइनस वन ओवर आर टू आर ग्रेटर देन, ठीक है, बराबर वन नहीं हो सकता, आपको पता लग रहा है यहाँ पर। तो ये है जो जी पी के एन टर्म्स को का सम फाइंड आउट करने का तरीका, किस तरह से आप करेंगे, ये फॉर्मूला है, यू विल ऑलवेज हैव द वैल्यू ऑफ ए फॉर मीन फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो, बस इन्हीं की वैल्यू चाहिए, और एन मतलब कितने टर्म्स का सम चाहिए आपको, ओनली दीज थ्री थिंग्स आर रिक्वायर्ड टू फाइंड दिस, क्लियर। तो ये हो जाएगा जी पी के बारे में, ओके, ठीक है। तो अब मैं कुछ आपको एग्जाम्पल भी बता देता हूँ ताकि आप समझ भी जाए किस तरह से कैलकुलेशन करेंगे। देखिए अब किस तरह से फाइंड आउट किया जाए, ये जीपी गिवन है, फाइंड इट्स nth टर्म एंड nth टर्म इस जीपी का, ठीक है, सॉल्यूशन करना है। तो गिवन ए इक्वल्स टू ए लिखेंगे अंडरस्टूड है, फर्स्ट टर्म की बात हो रही है, वन कॉमन रेशियो आर थ्री
थ्री अपॉन वन, सेकेंड टर्म ओवर फर्स्ट टर्म, ए टू अपॉन ए वन करके बता सकते हो आप, थ्री आ जाएगा। ठीक, अब बेटा टेंथ टर्म का फॉर्मूला, ए टेन ए आर की पावर टेन माइनस, ठीक है ये फॉर्मूला है। ए की वैल्यू में वन और थ्री की पावर हो जाएगी नाइन, ठीक है बस थ्री की पावर नाइन आंसर। ओके, फिर एनएक्स टर्म, ए आर की पावर एन माइनस वन, वन इंटू थ्री की पावर एन माइनस वन, ये हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत इजीली फाइंड आउट कर लो, क्लियर। एन ए टर्म के फॉर्म में से हमने क्वेश्चन किए। अब इसके बाद में सम वाला भी एक क्वेश्चन बता देता हूँ मैं। तो इसके आप स्टार्टिंग के 8-10 क्वेश्चन जो है ना 9.3 में, यस वो आज आपको करने होंगे, ठीक है। अभी मैं अगला क्वेश्चन और बताता हूँ आपको, सम वाला क्वेश्चन है जो, ठीक है, उसको किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा। तो एक जीपी है, जैसे इस तरह से लिखिए 1, 2, 4 फाइंड द सम ऑफ इस जीपी के 10 टर्म का सम फाइंड आउट करना है। तो जब आप कैलकुलेशन करेंगे अगेन, तो आप क्या लिखेंगे, फर्स्ट टर्म ए इक्वल्स टू 1, कॉमन रेशियो आर, सेकेंड टर्म ओवर फर्स्ट टर्म मीन्स 2। नाउ अब आर देखिए, आर ब्रैकेट में आप लिख सकते हो, आर इज ग्रेटर देन 1, सो वेयर आर इज ग्रेटर देन 1, सो Sn is given by, बता दीजिएगा सम ऑफ n टर्म्स Sn है, a r टू द पावर n माइनस 1 ओवर r माइनस 1, ठीक है, वेयर r इज सॉरी n इज 10, क्योंकि 10 टर्म की बात है। a की वैल्यू बेटा 1 है, 2 की पावर 10 माइनस 1 ओवर 2 माइनस 1, ये बन गया 2 की पावर 10 ओनली और माइनस 1। 2 की पावर 10 का जब आप सॉल्व करोगे तो 1024 आएगा, तो 1023, ये हो गया इसके 10 टर्म्स का सम, ठीक है। तो इस तरह से हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं इसके क्वेश्चंस की, ओके। तो इस तरह से आप उनको फाइंड आउट कर लो, कर सकते हो, राइट। ये भी हो गया क्वेश्चन, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, बहुत अच्छा टॉपिक है ये। अब बेटा नेक्स्ट है, जैसे मैं एक और एग्जांपल बता दूँ, एक और क्वेश्चन बता दूँ, इस तरह से लिखा होगा कि वैल्यू ए लेट्स से के की वैल्यू 1 से 10 दे रखी, एन भी हो सकता है, ठीक है, ये फाइंड इवेलुएट करना है। तो बेटा जब इवेलुएट करना होगा इस तरह का क्वेश्चन, तो ये ना बेसिकली क्या है, के की वैल्यू 1 से लेकर 10 तक, मतलब 10 टर्म्स का सम किया जाना है। तो ये ऐसे आ जाएगा जब हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, एक्सपेंडिंग द एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, ये 2 + 2 + 2 10 टाइम्स जाएगा ना, और 3 की पावर 1 + 3 की पावर 2 कहाँ तक, 3 की पावर 10 तक, राइट। अलग अलग ये एक्सपेंड करिएगा, क्योंकि दो सीरीज बनती है, ये एक एपी बन गई और ये एक जीपी बन गई। अब दो को 10 बार आप ऐड करोगे तो 20 आ जाएगा, जी एपी से सॉल्व भी कर सकते हो। ये जीपी है, तो इसका सम आर की वैल्यू आप देख पा रहे हो 1 से ज़्यादा है, तो 3 ए की वैल्यू, आर की वैल्यू भी 3, 10 टर्म्स है, 10 माइनस में 1 अपॉन, ये फॉर्मूला हो गया, बस ऐड कर लो 20 + 3 × 3 की पावर 10 माइनस 1 ओवर 3 माइनस 1 2 हो जाएगा। चाहो तो एलसीएम ले लो, अदरवाइज इतना ही छोड़ सकते हो। इसका एलसीएम लेंगे तो 40 हो जाएगा यहाँ, प्लस 3 × 11 हो जाएगी, -3 हो जाएगा, अपॉन 2 आ जाएगा, लास्ट स्टेप होगी बेटा 40 और 3
पावर 11 प्लस 57 अपॉन 2, इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा सर। ठीक है, तो ये है इसका इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका। तो ये जो मैंने क्वेश्चन आपको बताए हैं 9.3 एक्सरसाइज में, इस तरह के ही क्वेश्चन दिए हैं जीपी टॉपिक में, तो इसको आप वीडियो देख लेंगे तो बिल्कुल अच्छे समझ में आ जाएगा। फिर आपका वर्क मेन जो है वो यही है कि क्वेश्चन सॉल्व करके देखें, ठीक है, डेफिनेटली हो जाएंगे क्वेश्चन, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आती है तो लाइव क्लास में पूछ भी सकते हो आप, केवल ऑप्शन, ठीक है। ये वर्क है आपको जो करना है, ठीक है।